उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर बुधवार को विकास भवन के बाहर बड़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठे हुए, जहां उन्होंने गेट मीटिंग कर अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारी सरकार की तरफ से पहले दी जाने वाली सुविधाओं को दोबारा से लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने तमाम शासनादेशों के जरिए कर्मचारी हित की तमाम नीतियों को धीरे धीरे खत्म कर दिया है, जिन्हें दोबारा से लागू किया जाना चाहिए। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए 20 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की। प्रदर्शन को लेकर मुख्य संयोजक KN कांडपाल ने बताया कि वह पुराने पेंशन बहाली सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कई संवर्गों के ग्रेड वेतन कम किए जाने की भी मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने 1 सितंबर से आंदोलन शुरू किया था, जो 30 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे हम 1 सितंबर से लगातार कार्यालयों में गेट मीटिंग आयोजित करते आ रहे हैं, और उसी के क्रम में आज भी हमने यहाँ पर गेट मीटिंग का आयोजन करा रखा है। हमारी जो मुख्य मांगें हैं, वास्तव में नई मांग कुछ भी नहीं है, जो पहले से कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जा रही थी, तो वर्तमान में सरकार ने अलग अलग शासनादेशों के माध्यम से उसमें कटौती की है, तो उसके माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि जो पहले से जो सुविधाएं कर्मचारियों को दी थी आ रही थी सरकार ने, उनको पुनः बहाल किया जाए। और जिसमें हमारी सबसे मुख्य मांग है, पुरानी पेंशन की मांग हमारी यहाँ पर है। 10, 16, 26 सालों में अलग ग्रेड पे हमको मिलता था, उसकी हमारी मांग है। उसके अलावा गोल्डन कार्ड में जो विसंगतियाँ आ रही हैं, वो उसका लाभ नहीं मिल रहा हमको। हमारे प्रीमियम हमारे वेतन से कट जा रहा है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, उसकी मांग है। चतुर्थ श्रेणी के जो है ग्रेड पे अपग्रेडेशन की मांग है। उसके अलावा कुछ 20 सूत्री हमारी सारी मांग है, उनके क्रम में हम लगातार गेट मीटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जो 20 तारीख को हमारा जो है एक दिवसीय कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है, सारे जनपद मुख्यालयों में आयोजित होना है। वर्तमान में इस समय हम सारे कार्यालयों में गेट मीटिंग आयोजित कर रहे हैं।